और आपने मिरर में देखा, आपने मिरर में अपने आप को देखा, तो क्या हुआ, देखने वाले भी आप थे और देख भी अपने आप को रहे हो, तो यहां पर डूअर और रिसीवर सेम होता है। जनरली देखा गया है कि किसी भी सेंटेंस में डूअर और रिसीवर अलग अलग होते हैं, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। आई सा हिम, मैंने उसे देखा, यहां आई डूअर है और हिम रिसीवर है, डूअर अलग हुआ रिसीवर अलग हुआ, कोई नहीं चलो अच्छा है। आई सा हिम, मैंने उसे देखा, ही सा मी, उसने मुझे देखा, यहां पर ही डूअर अलग है और मी जो इसका ऑब्जेक्ट है वो रिसीवर है, वो भी अलग अलग है। लेकिन अगले सेंटेंस पर चलते हैं। आई सा मी, मैंने मुझे देखा, ना भाई ना ऐसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जब डूअर और रिसीवर सेम हो, यानी कि वर्ब जो एक्शन है वो रिफ्लेक्ट होकर के वापिस सब्जेक्ट पर आ जाए, डूअर पर आ जाए, तो उस सूरत में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा माई सेल्फ। तो ये सेंटेंस होना चाहिए था, मैंने आई सा माई सेल्फ, मैंने खुद को स्वयं को दर्शाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। मैंने स्वयं को देखा, मैंने स्वयं को देखा। आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है, आई डूअर यू रिसीवर दोनों अलग अलग हैं, तो यहां पर ठीक है, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आई नेक्स्ट चलिए, आई एम टॉकिंग टू मी, मैं मुझसे बातें कर रहा हूं, वही फिर आई। अब देखिए यहां पर आई डूअर रिसीवर मी, इसके लिए तो सेम है, यहां पर जो एक्शन है वो रिफ्लेक्ट होकर के वापिस मुड़ करके वापिस वो डूअर पर आ रही है, तो इस सूरत में हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना चाहिए, मी की बजाय क्या होना चाहिए था, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। शी रूड हर सेल्फ, से यहां पर देखिए डूअर कौन है, डूअर सी और रिसीवर थी हर सेल्फ, बिल्कुल ठीक हुआ, उसने अपने आप को, उसने खुद को बर्बाद कर लिया, उसने खुद को, यानी कि डूअर और रिसीवर सेम हुए। यहां पर जो रूंड वर्ब है वो रिफ्लेक्ट होकर के वापिस डूअर पर आ रही है, तो यहां पर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हुआ, सी रूंड हर सेल्फ, उसने स्वयं को बर्बाद कर लिया। नेक्स्ट चलिए, यू मस्ट टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ, तो मैं अपनी सहायता अपनी केयर जो है वो स्वयं करने चाहिए, यहां पर यू जो है वो डूअर हुआ और यूर सेल्फ, डूअर भी वही है रिसीवर भी वही है, तो यहां पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज यहां पर हुआ है, बिल्कुल ठीक है। टेल मी समथिंग अबाउट यूर सेल्फ, स्टूडेंट्स आप जब शुरू में किसी क्लास में जाते हो तो आपके साथ ही आपके अध्यापक कहते हैं टेल मी समथिंग अबाउट यूर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप अपने बारे में, यानी कि डूअर भी आप हुए और बताना भी आपने अपने बारे में है, तो यहां भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो माई सेल्फ से शुरू करते हैं, माई सेल्फ सुरेश कुमार, माई सेल्फ अमित कुमार, वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप अपने बारे में वही है जो एक्शन है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर के सब्जेक्ट पर आ रहा है। ही एंजॉयड हिम सेल्फ इन द पार्टी, यहां पर देखिए स्टूडेंट एंजॉयड हिम सेल्फ इन द पार्टी, यहां पर देखिए यदि मैं यहां से इस हिम को हटा दूं तो क्या बना,
ही एंजॉयड इन द पार्टी, देखने में तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट लग रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स देखिए यहां पर इनके बाद द पार्टी है, द पार्टी तो क्या हुआ, ये इन ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो इनका है, ये तो ऑब्जेक्ट इनका हुआ। अब इनका ऑब्जेक्ट है तो एंजॉयड का ऑब्जेक्ट क्या है, क्या होना चाहिए? तो यहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए और यहां पर हमने ही एंजॉयड, यहां पर लग सकता था फूड इन द पार्टी, ही एंजॉयड डांस इन द पार्टी, म्यूजिक इन द पार्टी, तो यहां पर हमने लिखा ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, उसने पार्टी में स्वयं आनंद लिया। यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द प्रिंसिपल, मैंने खुद प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया। द कैमल साइड सेट रिफ्लेक्टेड इन द वाटर, ऊंट ने पानी में स्वयं खुद अपनी परछाई को देखा। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, आपने एक चीज अवश्य नोट की होगी, वाव के बाद जो भी आया है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। किसी भी सेंटेंस में आप देखोगे तो वाव के बाद मोस्टली जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। अब दूसरी तरफ चलिए, यदि मैं इन्हीं बातों को जोर दे करके कहूं द टू एम्फेसाइज द डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी किसी एक्शन का जो करने वाला है, जो डूअर है, उस पर मैं ज्यादा जोर देना चाहूं, उसे और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से कहना चाहूं, सपोज इसे हम ले सकते हैं, आपके अध्यापक ने आपको कोई क्वेश्चन करने को दिया, सवाल हल करने को दिया कि भाई सवाल को आप खुद कीजिए, आप जब अध्यापक के पास आए तो अध्यापक ने पूछा भाई कैसे किया, तो आप कहोगे कि जी मैंने खुद किया है, इस सवाल को मैंने स्वयं हल किया है। इस सूरत में यानी जब जो डूअर है उसको एम्फेसाइज करने के लिए, उसको उस पर जोर देने के लिए, ज्यादा प्रभाव देने के लिए जो यूज किया जाता है वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। देखिए यहां पर एक खास बात और, यदि हम इस आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड दिस लंच, मैंने इस लंच को अपने आप खुद तैयार किया है। इसे की एक खास बात और है, ये जो माई सेल्फ है ये सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के लिए यहां पर इसका यूज हुआ है, यानी जोरदार ढंग से और ज्यादा प्रभाव दिखाने के लिए इसका यूज हुआ है। यदि मैं यहां से इसको हटा दूं तो भी हमारे सेंटेंस पर आई प्रिपेयर्ड दिस लंच, हमारे सेंटेंस पर ग्रामेटिकली किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता और सेंटेंस बिल्कुल ठीक है और समझ में भी आता है कि भाई मैंने स्वयं इस लंच को तैयार किया है। ये माई सेल्फ यहां पर जो प्रयोग हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए, इस सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए यहां पर इसका यूज हुआ है। अगले सेंटेंस में चलिए, ही हिम सेल्फ क्लीन द रूम, उसने स्वयं कमरे को साफ किया। अब मैं यहां से यदि हिम सेल्फ को हटा दूं तो भी हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही सेंस दे रहा है कि भाई कमरा उसने ही साफ किया है, लेकिन इसको एम्फेटिक बनाने के लिए और ज्यादा जोर बलपूर्वक कहने के लिए यहां पर हिमसेल्फ का यूज हुआ है। यदि हम इनमें से माई सेल्फ, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ को हटा दे तो हमारा जो सेंटेंस बाकी जो बचता है वो ग्रामेटिकली ठीक होता है और सेंस भी ठीक देता है, लेकिन मैं और ज्यादा इसको प्रभावशाली ढंग से उसको एम्फेसाइज करने के लिए, उसको एम्फेटिक बनाने के लिए दरअसल माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ का प्रयोग किया गया। यहां पर देखिए, हरेक में आपने देखा होगा कि वर्ब से पहले इनका यूज हुआ है। जनरली क्या होता है कि वर्ब से पहले जब किसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ आदि का प्रयोग हो तो वो एम्फेटिक सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में हमने देखा कि इसका यूज वाव के बाद होता है। चलिए, आई माई सेल्फ सोल्व द सम, मैंने सवाल को खुद हल किया है।
यहाँ पर मैंने खुद किया है, किसी और की मैंने मदद नहीं ली, ना मैंने किसी से पूछा, मैंने खुद किया है। शी हर सेल्फ फाउंड द सोल्यूशन, उसने स्वयं इसके सोल्यूशन को ढूंढा है। यू योर सेल्फ एडमिटेड योर फॉल्ट, तुमने अपने कसूर को, अपनी कमी को स्वयं स्वीकार किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो यूज हुए हैं उसको दरअसल इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव सेम है। यहां पर सेंटेंस को इम्फेटिक बनाने के लिए इनका यूज हुआ है, और यहां पर सेंटेंस में जो डूअर है, डूअर और उसका जो एक्शन है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है वापिस सब्जेक्ट के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप ने ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।